हमारे साथ हैं वृंदा गुजराल। वृंदा गुजराल जम्मू से हैं और अभी सबसे बड़ा कलाकार जो जी टीवी का एक कार्यक्रम है उसमें आखिरी तीन में हैं। वृंदा, सबसे पहली बात कि मैंने गलत बोला, आप उसको करेक्ट कर दें। सोनी टीवी। जी हाँ, सोनी टीवी से हैं। तो वृंदा, आप टॉप थ्री कंटेस्टेंट में से हैं और आप सबसे छोटे हैं वहाँ पे, तो कैसा लगता है? क्योंकि जब आपकी वीडियोस को टॉप थ्री नहीं, टॉप फोर, और मुझसे भी छोटी बच्ची है। ओह, और उससे भी छोटी, मैं सबसे बड़ी हूँ टॉप फोर में। अच्छा, इसीलिए मैं नीचे बैठ गया था क्योंकि आपने मुझे करेक्ट करना ही था। तो आपको जब आपकी वीडियोस जो हैं वो हर एक जगह शेयर होती हैं, क्योंकि हमने देखा है कुछ कुछ वीडियोस आपकी 85-90 लाख के करीब पहुंची हैं कुछ और पेजेस पे, तो कैसा लगता है जब आपके एक्ट को जो है पूरी दुनिया सलाम करती है? 40 मिलियन, 2 मिलियन इतनी होती है मेरी वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा भैया को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि शो पे सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा लाइक्स, व्यूज़ और शेयर्स मेरे ही होते हैं। वृंदा, अब आप जो हैं फाइनल कंटेस्टेंट्स में से हैं और कल आप जम्मू से जा रहे हैं एक फाइनल के कंटेस्ट करने के लिए, तो क्या लगता है कि कितनी तैयारी है आपकी? तैयारी तो फुल है मेरी, अब देखते हैं, जजेस के हाथ में ही तो है ना सब कुछ। लेकिन जजेस के आप हमेशा से फेवरेट रहे हैं। हाँ हूँ, जजेस के तो बच्चे फेवरेट ही होते हैं। लेकिन सब बच्चों में आप उनके सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। हाँ हूँ मैं फेवरेट। अच्छा, तो वृंदा, जो एक सबसे बड़ी बात, आप नटरंग से हैं, तो जो कुछ आपने नटरंग से सीखा, क्या आप मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के बाकी उन बच्चों को जो एक्टिंग, पढ़ाई, इन सब से हटकर दूसरे कामों में व्यस्त? अभी जो मैंने क्या किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो असल जिंदगी में भी होता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी अपने बच्चों, कोई कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजते, उनका डांसिंग एक्टिंग में बहुत मन होता है। और प्लीज़ मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, प्लीज़ अपने भी बच्चों को बाहर निकालो। और पहले मेरे मम्मी पापा को भी कुछ हमारे रिलेटिव्स बोलते थे कि आप बच्ची को बाहर मत, ज़्यादा मतलब एक्टिंग डांसिंग में मत भेजा करो, लड़कियाँ तो सिर्फ पढ़ाई करती हैं और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेजा और मैं आज सबसे बड़ा कलाकार की फाइनलिस्ट बनी हूँ, और अपने वो भी अपने मम्मी पापा के कारण। थोड़ी मेहनत मेरी थी और बाकी की सारी मेहनत मेरे मम्मी पापा की थी, जिन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और मुझे यहाँ पे सोनी टीवी में लाया सबसे बड़ा कलाकार में। तो मम्मी पापा थैंक यू, नटरंग की टीम थैंक यू, मैं आप ही से ये सब सीख के गई थी, आप ही ने मुझे सिखाया था, उसके कारण ही मैं फाइनलिस्ट बनी हूँ सबसे बड़ा कलाकार की। तो ये थी वृंदा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह न सिर्फ उनकी अपनी मेहनत बल्कि परिवार का सहयोग, जो जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि बड़े ही कम बच्चों को नसीब होता है कि उनके परिवार जो है पढ़ाई से हटकर किसी चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं। तो वृंदा का ये साफ कहना है कि एक नटरंग और एक उनका परिवार थे जिनकी वजह से वह आज एक मुकाम पर पहुँची हैं। तो मैं पूरी यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन की टीम की तरफ से वृंदा आपको बेस्ट विशेज देता हूँ कि आप ही जीत कर आएँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी वृंदा गुजराल, जिनका कहना था कि जो भी आज वह हैं वह नटरंग की वजह से हैं और वो जम्मू के होने की वजह से हैं। गुरसिमरन सिंह, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू के लिए। हम बाहर कर रहे हैं। बाहर कर रहे हो? बाहर कर लो।